एक समय की बात है, खुशहाल गांव हैप्पीविल में एक जवान फेलिक्स नामक लोमड़ी रहता था। फेलिक्स को उसके चालाक और हास्यप्रिय उपायों के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके दिल में कुछ अधिक महत्वपूर्ण चीजों की तलाश थी। एक धूप से भरे सुबह में फेलिक्स ने एक प्राचीन पेड़ के खोखले में छुपी एक रहस्यमय नक्शा पर ठोकर खाई। जिज्ञासा उसके अंदर उत्तेजित हो गई जैसे ही उसने कागज को खोला, जिसमें उसके सामने वन ऑफ इनलाइटनमेंट की धरोहर की ओर जाने का मार्ग दिखाया गया। उसकी आंखों में चमक आई और कदम की एक छलांग उसने वन खोज करने का काम किया। जैसे ही वह घने झाड़ियों के बीच से गुजरता था और चलता हुआ नदियों को पार किया, फेलिक्स को जरूरतमंदों के लिए सहायता की आवश्यकता होती थी। एक खराब तूफान से बचाव की तलाश में एक खरगोश का परिवार, एक खोए हुए तितली को उसके घर के लिए मार्गदर्शन चाहिए था और एक शर्मीले चूहे को अपने डरों को पर करने के लिए प्रोत्साहन चाहिए था। हर दयालु क्रिया के साथ फेलिक्स ने अपने दिल के अंदर गर्माहट को महसूस किया, जो उसे एक नई उद्देश्य में जलाने के लिए उत्तेजित कर रहा था। अंततः यात्रा के दिनों के बाद फेलिक्स ने इंटरनलाइटमेंट के वन के दिल को पहुंचा। वहां उसे एक बुद्धिमान पुराने उल्लू ने उच्च बांस पर बैठे देखा। उल्लू एक धीमी ब्रीज की तरह की आवाज में बोले, आपका स्वागत है युवा यात्री। आपने ज्ञान की खोज में दूर तक यात्रा की है। आपको हमारे विनम्र आवास में क्या लाया? फेलिक्स ने सम्मान पूर्वक झुककर कहा, मैं वास्तविक खुशी और पूर्णता की कुंजी की खोज में हूँ। उल्लू ने समझाया और फेलिक्स को वन के गहराई में अधिक निगल गया। सफर के दौरान उल्लू ने दया, सहानुभूति और कृतज्ञता के अविस्मरणीय सबकों को प्रदान किया। उल्लू ने फेलिक्स को सहायता के आदर्श, सहानुभूति और आभास की महत्वता दिखाई। हर सबक सीखने के साथ फेलिक्स ने अपनी आत्मा को ऊंचा उड़ाने और अपने दिल को हल्का करने का एक नया पूर्जा महसूस किया। अंत में उन्होंने एक शांत साफ हवा की गहराई में आता दिखाया, जो सोने की धूप से सम्मोहित हो गई थी। केंद्र में एक चमकदार फव्वारा खड़ा था, जिसे इतिहासकार भविष्यवाणी कर रहे थे, दया और उदारता के कृत्रिम स्थल में आधारित संगठन के साथ। उल्लू ने फव्वारा की ओर इशारा किया और कहा, देखो अनंत आनंद का स्रोत। इसके जल आत्मा को पोषण देने और उन्हें जो इसकी शिक्षाओं को अपनाते हैं हमेशा के लिए खुशियों को लाने की शक्ति रखते हैं। फेलिक्स ने संतुष्ट दिल से उल्लू का धन्यवाद किया, जिन्होंने उसे अपने साथ की यात्रा पर मार्गदर्शन किया। उसने हमेशा के लिए वन के सबको लेकर चलने का वादा किया और जहां भी उसकी यात्राएं जाती हैं, वहां खुशियों का बोझ उठाने और प्रेम करने की जो सीख साथ लेता है। और इस तरह दया की खोज में आर्म्ड विद द पावर ऑफ किंडनेस और वन की बुद्धि के साथ फेलिक्स खुशियों के नगर में एक बदला हुआ लोमड़ी बन गया। उसने समुदाय सफाई के दिनों की आयोजन किया, वृद्धाश्रमों को मुस्कान लाने के लिए पहुंचा और यहां तक कि जरूरतमंद जानवरों की मदद के लिए एक चैरिटी शुरू की। उसकी अथक ऊर्जा और संवेदनशील उत्साह ने उसे उसकी खोज में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और जल्द ही खुशियों की नगरी में भावनाओं और सकारात्मकता का एक संगठन बन गया। लेकिन फेलिक्स जानता था कि सच्ची खुशी की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। अभी भी पार करने के लिए चुनौतियां थीं और सीखने के लिए पाठ थे, लेकिन अपने दोस्तों के समर्थन और जंगल की बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन से उसने हर बाधा का सामना वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ किया। और जब मौसम बदलता और वर्ष बीतते गए तो फेलिक्स की कथा बढ़ गई, खुशियों की सीमाओं के बाहर फैली गई। बच्चे उसे हीरो के रूप में देखते थे, एक विश्वास के प्रतीक में, एक दुनिया में जो कभी कभी अंधेरे से भरी होती है और जो कभी कभी अंधेरे से भरी होती है। लेकिन अगर हम फेलिक्स के पद चिन्हों में चलते हैं तो हम भी एक जगह बना सकते हैं जहां खुशियों की सीमाएं नहीं हैं और हर दिन दया की जादू से भरा होता है।